ये जी 100 ग्राम सरफ है जो कंपाउंड बी के साथ मैंने बनाया है। अभी इसका तजर्बा करते हैं, देखते हैं कि ये कितनी झाग बनाता है। तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं सेंड करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन है, खाली है, इसमें वो थोड़ा सा सरफ इसी के कंपाउंड पे गिरा हुआ है, ये हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी डालने की हम पानी डलते डलते देखेंगे। ये देखें जी, पानी डाल के हमने इसको ऑन किया हुआ है मशीन को, मशीन चल रही है, झाग बन रही है। कपड़े नहीं डाले अभी हमने इसमें। ये थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, ये डाल देते हैं। अब देखते हैं इसको। इसमें मैंने सिर्फ 2% जो है कंपाउंड डाला है, कंपाउंड B2, सिर्फ 2%। 1 किलो मैंने अभी बनाया था तो तजर्बा करने के लिए सिर्फ 2% कंपाउंड डाला है इसमें। झाग आपके सामने है। ये देखें जी, ये झाग है इसकी, ये ना, ये नीचे तक झाग ही झाग है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी है, पानी बहुत नीचे है, ये सारी झाग है। अगर हम इसको पानी और भर लेंगे झाग और ज़्यादा हो जाएगी। ये नहीं, ये B2 कंपाउंड का की झाग है। ये देखें, ये नहीं, सफाई भी बेहतरीन होगी इसके साथ और झाग भी ख़त्म नहीं होगी। जो लोगों के एतराज़ आते हैं कि झाग ख़त्म नहीं हो रही जी, झाग ख़त्म, झाग नहीं आ रही, झाग नहीं आ रही, ये B2 कंपाउंड के साथ झाग है।